हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर। नाउ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल आर गिवन बिलो। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू दिया है, W1, W2, W3, W4 की वैल्यू दिया है, सो इट विल बी ऑन साइक्लिक प्रोसेस फ्रेंड्स। ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल वी हैव टू फाइंड, करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, यू सी हियर क्वेश्चन इज लाइक दैट we can understand this is a cyclic process, something is going on, but friends it is asking that thermal efficiency of the cycle kya hoga, what is the thermal efficiency of the cycle। yahan par different process diya hai heat transfer ke, and yahan par bhi jo work transfer hai wo diya hua hai। let's understand, agar hum ye karenge q = summation of w, first law थर्मोडायनेमिक, अगर हम डायनेमिक अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हीट ट्रांसफर है तो 300, अगर हम ऐसे करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। फ्रेंड्स जस्ट यू चेक इट, बिकॉज क्या आएगा, दोनों वैल्यू दिया हुआ है। लेट्स चेक 300 0 - 100 0, 300 में से 100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 बचेगा। ओके, इस साइड का भी चेक कर लेते हैं। सी हियर 300 250 - 100 250, सो प्लस 200 - 250 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 300 में से 100 जाएगा तो कितना जाएगा, 200 होगा। ओके, बट यहां पर हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, इट विल बी इक्वल। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हमें फाइंड करना है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल क्या होगा, ओके, थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड्स, इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है नेट वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। किसी एक प्रोसेस में हीट सप्लाइड होगा तो जो नेट वर्क डन अचीव होता है डिवाइड बाई हीट सप्लाइड कितना होगा, अगर हम ये लेते हैं तो हमारा इफिशियंसी आता है। नेट हीट सप्लाइड नहीं लेंगे फ्रेंड्स, हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेट सपोज कि यह कोई साइकिल है, ओके, केवल इस प्रोसेस में जो है हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, ओके, तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा हम उसको ऐड कर लेंगे, हीट रिजेक्शन को ऐड नहीं करेंगे, वी विल नॉट ऐड हीट रिजेक्शन, ओनली हीट एडिशन टर्म को हम लेंगे। ओके, लेट सपोज यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में भी हीट ऐड हो रहा है, एंड इस प्रोसेस में भी अगर हीट ऐड होता तो क्या होते, हम Q1 प्लस Q2 कर देते, बट हीट रिजेक्शन को हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो कितना होगा फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन अपॉन हीट ट्रांसफर। तो नेट वर्क डन कितना है फ्रेंड्स, नेट वर्क डन हमारा 200 है, हीट ट्रांसफर कितना है, इसमें हीट ट्रांसफर कितना है, पॉजिटिव वाला जो हम ऐड करेंगे हीट ट्रांसफर और हीट एडिशन, ओके, हीट एडिशन टर्म ही लेंगे, हीट रिजेक्शन टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एडिशन। ओके, तो नेट वर्क डन हमारा कितना आया, 200 आया, हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, हीट ट्रांसफर पॉजिटिव ये है, क्यों ले ही पॉजिटिव है, हम इसको लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स,
नेट वर्क डन बाई हीट ट्रांसफर 300. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? 200 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 66.67 इट विल कम. ओके, द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66.67. कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट वर्क ट्रांसफर डिवाइड बाई हीट सप्लाइड. नेट वर्क ट्रांसफर और नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. ओके, नेट वर्क डन इसको कट कर देते हैं. नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. ओके, सो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा फ्रेंड? 66.67 इट विल कम. सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.